देखिए, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। वास्तविक संख्या की बात करें, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है। दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं और दोनों को देखेंगे एक बार। 116 सही 2/3% कोई संख्या है हमारे पास, उसमें कितना जोड़ा जाता है 16 जोड़ा जाता है, तो कोई संख्या हमारे पास पहली होती है 100% होती है, लेकिन उसमें कुछ संख्या जोड़ने के बाद उसी संख्या का 100% के बाद 116 सही 2/3% हो रही है। वही संख्या कितना हो रही है 116 सही 2/3%, यानी कितनी बड़ी 100 से ज्यादा, 16 सही 2/3% बढ़ गई, 100 के बाद प्लस हुई है। तो हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या याद करनी है इसमें, तो ये 100 के बाद प्लस हुई है, तो हम 100% जो रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्या है, हमें ये निकालनी है इसकी, यानी कि 100% वैल्यू निकालनी है इसकी। हमारे पास कितनी 116 सही 2/3%। अब देखिए हम 100% कैसे निकालेंगे, हम देखिए इधर ये है हमारे पास 116 सही 2/3%, ये लिख लिया हमने आता। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 116, उसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 350/3% कहते हो गया, 350/3%। अब इसमें क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे हम 350/3 × 100 कहते हो गया, 350/3 × 100। अब इसका क्या करेंगे, इसको 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार जाएगा ये 7 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 3 = 6। ठीक है, क्या ये संख्या हमारी, हमारी जो 6 है ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, लेकिन उसमें कुछ संख्या जोड़ के कितना जोड़ा जा रहा है 16, तो ये कितनी हो जा रही है 116 सही 2/3%, लेकिन हमें यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है हमारा +1, केवल +1 ही तो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे +1 हो रहा है, यानी हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, 1 की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 6 की, तो 6 × 16 ये हो जाएगा हमारा उत्तर, 16 × 6 = 96। ठीक है, देखिए 6 से हमारी 7 हो रही है, यानी 100% से 116 सही 2/3%, तो यानी 16 सही 2/3% जो बढ़ रही है वो +1 है, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 16, तो जब 1 की वैल्यू 16 है तो वास्तविक संख्या नीचे वाली होती है हमारी, तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगी 6 × 16 = 96। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस संख्याओं का अंतर है बस। देखिए 157 से 1/7%, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दें, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दें तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है। वास्तविक संख्या याद करें, इसमें भी हमने वास्तविक संख्या याद की थी, इसमें भी हमको वास्तविक संख्या निकालनी है, रियल नंबर निकालना है हमें दोनों क्वेश्चनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि कोई संख्या थी हमारे पास, कोई संख्या हमने बताया कि 100% होती है, पहले पहले क्या होती है 100%, जब उसमें कुछ जोड़ा जाता है उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, इसमें 100% के बाद 57 सही 1/7%, तब कितना हुई है 157 से 1/7%, 100% के बाद जोड़ी गई संख्या, तो हमारे पास 64 है लेकिन 64 जोड़ा गया है, लेकिन परसेंट कितना है 57 से 1/7%, तो हमें निकालने कितनी वैल्यू है 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, ये तो जोड़ने के बाद हुई है, 64 जोड़ने के बाद 157 से 1/7% हो गई हमारी, तो क्या करेंगे हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, नहीं रियल नंबर निकालेंगे, वास्तविक संख्या। तो देखिए 157 से 1/7% याद रख लिया, इसको करेंगे हम 7 × 157 में, और इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1100/7%, 7 को इसमें गुणा करेंगे, 7 को 157 में गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1099, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1100/7 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम परसेंट को हटाएंगे, यहाँ से परसेंट हटाते हैं, परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, लेकिन हमें परसेंट लगाना होता है तो ऊपर 100 का गुणा करते हैं, तो परसेंट हटाएंगे इसमें 100 का नीचे का भाग दे देंगे, तो 1100/7। ठीक है, तो यहाँ से हमारा परसेंट क्या हुआ, हट गया। अगर हम परसेंट लगानी होती है तो यहाँ पे 100 कर देंगे गुणा में। ठीक है, इस तरह से परसेंट लगाई जाती है, वो अगले के क्या हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये हो गया हमारे पास 11/7, 11/7 ये क्या है हमारी वास्तविक संख्या, हमारी वास्तविक संख्या कितनी है 7, रियल नंबर,
लेकिन उसमें कुछ जोड़ने के बाद साथ में कुछ संख्या 64 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर कितना जोड़ा गया है हमारा, ये हमारा फ्रैक्शन मेथड है, हम फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसमें सात से, इसमें कितना जोड़ा गया है, प्लस 4 हुआ है, सात से इसमें तो 4 जोड़ा है, लेकिन इसमें कितना जोड़ा है, 64। तभी तो 157 सही बोलते 7% हुआ है यहाँ पर, तो यानी इसकी वैल्यू जो है कितनी, 157 सही 1/7%, और ये है हमारे 100% के बराबर। तो हम 100% निकालेंगे, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या हमेशा 100% होती है। तो जब 100% निकालेंगे तो हमारे पास दे रखा है 4 = 64, 4 की वैल्यू हमारे पास 64 दे रखी है, तो 4 से हम 64 भाग देंगे, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले, 1 की बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। 1 की वैल्यू हमारे पास जब 16 आ गई, 4 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू 4 से भाग देंगे इसमें, तो 1 की वैल्यू 16 आ जाती है हमारे पास। लेकिन हमको निकालने किसकी वैल्यू है, 7 की, तो 7 × 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से निकाल लिया हमने, हमारे यहाँ 7 की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी 7 नीचे आई है वास्तविक संख्या, इसमें वास्तविक संख्या पूछी गई है, देखिए ये पूछी गई यहाँ पर, इसमें भी हमारी वास्तविक संख्या पूछी गई थी, तो इसीलिए हमें 7 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। जिससे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं हमारे, तो इसमें सब 7 को गुणा करेंगे, 112 आ जाएगी, 16 × 7 = 112, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी वास्तविक संख्या है, ये हमारा 100% नंबर है हमारे, 100%, 100% में कितना जोड़ा गया है, 64, तो कितना हो गया, 157 × 7%, ठीक है। हमारा आज का इतना ही, अगले हम देखेंगे।